हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। आप सब कैसे हो? आई थिंक अच्छे हो, अच्छे रहो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ही जल्दी उठा। 5 बजे को मेरा नींद टूटा और मैं सो ही नहीं पाई, तो मुझे लगा वॉकिंग कर लेती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। कभी कभार इतना पाँव दर्द होते मैं सो नहीं पाती हूँ। एंड इतना ठंडा, ओ माय गॉड, पूरा बर्फ हो रहा है मेरा हाथ। एंड मैंने मास्क लगाया, इसमें मफलर लगाया क्योंकि ठंडे में तो होगा नहीं। ओ माय गॉड, बहुत ही ठंडे है। तो गाइस देखो, ये है पता नहीं क्या मास है ये, लेकिन देख के ही लगा ये स्वाद होगा। तो आज मैं ये बनाऊंगी, तो आप लोग भी खा सकते हो। मैं रेसिपी शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो इसको अभी मैं भिगा के रखूंगी, स्कूल से आके बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमक होते हैं, तो भिगा के रखने से नमक थोड़ा कम होगा। तो इसको मैं काटती हूँ, पहले पीस पीस करके इसको मैं चावल गुरी के साथ ग्रेवी बनाऊंगी, बहुत ही स्वाद होते हैं। ऐसे करके पीस करूंगी मैं इसको। देखिए उस दिन कह रहा था कि ये मछली का नाम है देवा मास। आई डोंट नो सकमा लोग कहते होंगे देवा मास, लेकिन मैं कभी सुना नहीं। लेकिन ये मछली पत्थर का नीचे बड़ा बड़ा नदी में मिलते हैं क्योंकि ये मछली बहुत ही महंगा होते है। ये मछली का कितना प्राइस है पता है आप लोगों को? एक मछली का 40 रुपीज़, तो बहुत ही महंगा हुआ ना, क्योंकि ये लोकल है और नदी में ही मिलता है पत्थर के नीचे। मेरा मानना है पता नहीं, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। ऐसा लग रहा है बचपन में मेरे मम्मी लोग मछली ढूंढते थे, तब ये मछली मिलता था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? स्कूल में। ओके, स्कूल अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है? क्यों? स्कूल में जाना है, पढ़ना है, तभी ना बड़ा आदमी बनोगे, तभी ना बड़ा जब करोगे। बुड्ढू, स्कूल अच्छा नहीं लगता आपको? हाय रब्बा। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अभी बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभार जल्दी आता है, कभी कभार लेट होते हैं, तो हमें तो जल्दी रेडी होना पड़ता है क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। क्या बोलना है? उसको मेरा बाबू को स्कूल अच्छा नहीं लगता, पूछा तो स्कूल अच्छा नहीं लगता स्कूल? मम्मी को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पापा भी गया था, मम्मी भी गया था, आपको भी स्कूल जाना होगा बाबा बड़े होने तक। पापा का तरह जॉब करोगे ना? फौजी बनना है? क्या बनना है बोलो? आयरन मैन। ओ माय गॉड, आयरन मैन कोई नहीं बनता बाबा, बस फिल्म में बनता है आयरन मैन। आयरन मैन बनते? अच्छा, उसको बनना आयरन मैन। आयरन मैन तो फिल्म में ही होते बाबा, रियल में आयरन मैन नहीं होते बाबा। एक्चुअली मेरा बेटा को फौजी बनना है, लेकिन फौजी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उसका पापा का भी ड्रीम था उसको फौजी या कुछ ऑफिसर बना, लेकिन जब वो अभी फौजी जॉब कर रहा है तो उसको बहुत ही मतलब फौजी का जॉब मतलब बहुत ही दुख का जॉब है, बहुत ही कष्ट है, मेहनत करना पड़ता है। तो अभी उसका पापा का ड्रीम टूट गया, मतलब बोलता है मेरा बेटा को मैं फौजी नहीं बनाऊंगी, कुछ और बनाऊंगी। तो मुझे तो ड्रीम है उसको बैंक मैनेजर, जैसे कि स्टैंडर्ड मतलब सिविल ड्रेस का ऐसा वाला जॉब मुझे पसंद है। देखते क्या होते अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब पापा और मम्मी का होता है ना एक ड्रीम, मेरा बेटा को ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा, बस ये हम लोग ड्रीम देख रहे हैं अभी। लेकिन 12 होने का बाद पता चलेगा मेरा बेटा क्या बनता है, क्या बनना चाहते हैं, उसका ऊपर डिपेंड होता है ना बाबा। आपके ऊपर सब डिपेंड है, आप क्या बनोगे, कैसे पढ़ोगे। ओके, इसलिए अच्छा से स्कूल पढ़ना है, अच्छा से स्कूल जाना है, गुड गुड सब कुछ पढ़ना है, जो मैम जो मिस बोलेगा सब गुड गुड करके पढ़ना। ओके, देखो क्या कर रहे हो रिमोट को? गाइस मैं स्कूल से आ गया हूँ और ये ड्रेस भी नहीं खोलूंगा, अभी मैं जाऊंगी डायरेक्ट किचन में क्योंकि खाना बनाते हुए लेट हो गया। तो मैं खाना वाना बना के सब कंप्लीट करके तब जाके मैं ड्रेस खोलती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आज मैं ड्राई पीस का एक डिश बनाने वाला, आप लोगों को भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए मेरे साथ किचन में और आप लोग भी इस तरह से घर बैठे बैठे खा सकते हो, सीख सकते हो घर बैठे बैठे।
ने खाना खा लिया, मेरा रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही बना के खाना, स्पेशली नॉन ट्राइब लोग, हमारे ट्राइब लोग तो सबको बनाने आते हैं, नॉन ट्राइब लोग को बोल रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आज का वीडियो इतना ही और कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए। तो गुड नाइट सबको, मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग से, सब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।